नजर नहीं आता है आपको, जोर से चोट लगा दी। माय गॉड, आई थिंक इट्स नॉट माय फॉल्ट। मुझे लगता है आप आंखें बंद करके चलती हैं। मान लिया मेरी ही आंखें खराब है, लेकिन आपकी नजर तो ठीक है ना। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, फिर भी आपको इनका इस्तेमाल नहीं आता। वाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे, मुझे आज से पहले अंदाजा नहीं था कि मेरी आंखें इतनी बड़ी और खूबसूरत हैं। आज घर जाके गौर करूंगा। एक्सक्यूज मी, मैंने खूबसूरत का लफ्ज कब इस्तेमाल किया? आई एम ग्लैड आप मुस्कुराई तो सही। इस तरह सिचुएशन की जो टेंशन है ना, वो थोड़ी कम हो गई है। आप बहुत ही फजूल और बेकार बातें करते हैं, घर जाके गौर कीजिएगा। एक बात बताऊं आपको, वैसे घर जाके गौर करने के लिए ना इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं मेरे लिए। अगर आप बुरा ना माने तो ये मेरा कार्ड आप रख लें, बाद में बेशक इसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। परेशान मत हो आप, ना ही मुझे गलत समझिए। मैं एक बात का कायल हूँ कि सारी बातें आपको वक्त पे कर लेनी चाहिए, बाद में पछताने से बेहतर होता है। अब देखिए ना, आप अगर यहाँ से चली गई तो मैं इतने बड़े शहर में आपको कहाँ ढूंढता फिरूँगा। वैसे मुझे एक बात का यकीन है कि अभी आप मेरे नंबर पे फोन भी करेंगे। ओह, थैंक यू। ना तो ये कोई फिल्म है और ना कोई ड्रामा, और आप अपने आप को हीरो समझना छोड़ दो। मोजना, मीट शाहजेब। शाहजेब मेरे डैड के कजन अहमद अली अंकल के बेटे हैं। यहाँ किसी को जानते नहीं है, इसलिए तनहा नजर आ रहे हैं काफी। और शाहजेब, ये है मोजना, हमारी नेबर। नाइस टू मीट यू। अब आप दोनों एक दूसरे को कंपनी दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आप लोगों से। राइट, थैंक्स मैन। इट्स वेरी स्ट्रेंज के यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, लेकिन हम दोनों यूं अपने प्राइवेट कॉर्नर्स में। ठीक है, जहाँ इतने ज़्यादा लोग हों वहाँ पे किसी का फैमिलियर होना ज़रूरी होता है। आई एग्री, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त ना सही, लेकिन एक दूसरे के लिए अनफैमिलियर भी नहीं है, मिल तो चुके हैं हम पहले। अच्छा, I'm so sorry, मुझे याद नहीं। अभी कल ही तो मिले थे हम मॉल में। मॉल में तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, मैं सबको तो नहीं याद रख सकती। ये भी ठीक कहा आपने। चलें फिर मैं अपना तारुफ आपसे करवा देता हूँ। माय नेम इज शाहजेब जी। जी, अभी समीर ने बताया था। अरे आप बैठिए, कहाँ जा रही हैं आप? It's 12 o'clock and I think it's pretty late. मुझे अब जाना चाहिए। यानी आपके भी सिंड्रेला टाइमिंग्स हैं। मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए ये बहुत वक्त है घर से बाहर रहने। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपका घर तो वसिनिटी में ही है, आप 2 मिनट में पहुंच जाएंगी, काफी लोग मौजूद हैं। तो हम लोग को ना वक्त जाया करने का बहुत शौक, रातों को जागते रहते हैं और दिन में सो जाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता अगर मुझे आप दूसरी कंपनी ना मिली होती तो। क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि हम दोबारा भी मिलेंगे? जरूरी तो नहीं। तो मैं क्या समझूं, आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं? शायद। अच्छा, मुझे वेट, आई एम सॉरी, हियर इज माय कार्ड अगेन, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, उसके घर जाके पढ़िएगा, मेरे सामने नहीं, तकलीफ होती है। लेकिन ये थैंक यू। खुदा हाफिज़। थैंक यू। क्यों
संभाल के रखा हुआ है मैंने ये कार्ड। अब तो मैं इसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक सकती हूँ। क्यों नहीं फाड़ सकती मैं इसे? क्यों?